नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। देश का सच दिखाते हैं हम। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 183B के अंतर्गत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के काश्तकारों द्वारा धारित भूमि पर अतिक्रमियों के विरुद्ध व बेदखली की कार्यवाही की जाती है। उक्त धारा के तहत किसी भी उपबंध में कुछ भी बात होते हुए भी वह अतिक्रमी जिसने की अनुसूचित जाति व जनजाति के किसी सदस्य द्वारा धारित किसी भूमि पर बिना विधिपूर्ण प्राधिकार के कब्जा कर लिया है अथवा कब्जा बना रखा है, ऐसे व्यक्तियों के आवेदन पर जो कि उसे बेदखल कराने के हकदार हो, बेदखली का दायी होगा और प्रत्येक उस कृषि वर्ष के लिए या उसके भाग के लिए जिसमें कि वह ऐसे कब्जे में रहा है, शास्ति के रूप में ऐसे राशि देने का और दायी होगा जो कि वार्षिक लगान से 50 गुना तक हो सकेगी। ज्ञात है कि 183B के प्रकरणों में कब्जा दिलाने की कार्यवाही मौके पर फसल होने पर भी की जा सकती है। कनवास SDM राजेश डागा द्वारा मार्च 2020 के अंतिम सप्ताह में कनवास उपखंड का चार्ज संभाल था। उपखंड अधिकारी की प्रभावी कार्यशैली व आम लोगों को शीघ्र न्याय दिलाने के प्रयास को देखते हुए अब आमजन तहसील के कार्यों के लिए भी SDM डागा से न्याय की गुहार हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं। कनवास SDM राजेश डागा के पास कई प्रकरण अनुसूचित जाति जनजाति के खातेदारों द्वारा अपनी खातेदारी भूमि पर अन्य व्यक्तियों के द्वारा अनधिकृत रूप से कब्जा करने के बताए गए और अपनी खातेदारी भूमि पर कब्जा दिलाने की गुहार की गई। उपखंड अधिकारी ने पूर्व के कुछ लंबित प्रकरणों के अलावा नए प्रकरण भी कनवास तहसीलदार को दर्ज कर शीघ्र निस्तारण के आदेश दिए। कनवास तहसीलदार सुरेंद्र शर्मा ने 6 मामलों में जो कि अनुसूचित जाति और जनजाति के भूमि विवाद से जुड़े हुए थे के प्रकरणों को 183B में कार्यवाही करते हुए संक्षिप्त सुनवाई बाद निर्णय पारित किया गया और सभी प्रार्थीगणों को भूमि का कब्जा देने हेतु आदेश जारी किए गए। उक्त 6 प्रकरणों में से 2 प्रकरणों का निस्तारण पूर्व में ही किया गया था व 4 प्रकरणों का निस्तारण गत सप्ताह किया गया, जिसमें ग्राम हरिपुरा डंडिया में शारदाबाई के 2 प्रकरणों में 13 बीघा का हरिपुरा मांझी के बाबूलाल धोबी को, 5 बीघा का ग्राम लाटपुरा में रामलाल को, 4.16 बीघा का ग्राम बरखेड़ा में देवेंद्र कुमार खटीक को, 9 बीघा का ग्राम केशोली में छोटूलाल मेघवाल को 5.15 बीघा का कब्जा देने के आदेश जारी किए गए हैं।